हालत बेहद खराब है। सरकार के रवैये को देखकर कुछ दिन पहले लगा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो भी जाता, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और इसने टेलीकॉम कंपनियों के हालात को बद से बदतर बना दिया। अब कंपनियां खास तौर पर वोडाफोन आइडिया अपना बोरिया बिस्तर बांधने की बात कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ग्राहक को यानी आप पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा। एक बार फिर आपके मोबाइल रिचार्ज और बिल महंगे हो जाएंगे। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों और क्यों टेलीकॉम मार्केट की हालत इतनी खराब हो गई? शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कंपनियों से जुड़े AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू केस की सुनवाई के दौरान टेलीकॉम कंपनियों को फटकार लगाई थी। ये तक कह दिया था कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट को ही बंद कर दिया जाए। कोर्ट का कहना भी सही था क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने AGR की सरकारी परिभाषा को सही करार दिया था और इस हिसाब से कंपनियों को सरकार को करीब 1,47,000 करोड़ रुपए चुकाने थे। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट का था तो कंपनियों को मानना ही पड़ता, लेकिन वो फिर से पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटीशन दाखिल की, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया और अपना ऑर्डर बरकरार रखा। लेकिन अब कंपनियों ने नई बात की, कहा कि कुछ दिन की मोहलत मिल जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन कोर्ट ने मोहलत नहीं दी, उल्टे फटकार लगा दी और उनकी पैसे चुकाने की नियत पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि पता चला है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने ये सर्कुलर जारी किया है कि जो कंपनियां तय समय सीमा पर पैसे नहीं चुका पाएंगी, सरकार उन पर कोई एक्शन नहीं लेगी। और फिर कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि अगर कोई अधिकारी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी ऐसा कहे तो फिर कोर्ट को ही बंद कर देना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी डॉट को इस नोटिफिकेशन को वापस लेने को भी कहा और कंपनियों पर AGR के पैसे न चुकाने पर कंटेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस आदेश के बाद टेलीकॉम कंपनियों को जल्द से जल्द पैसे चुकाने होंगे और उन्हें कोई रियायत भी नहीं मिलेगी। इसे देखते हुए एयरटेल ने तो 10,000 करोड़ का पेमेंट कर दिया। हालांकि सबसे बड़ी बकायेदार वोडाफोन आइडिया ने भी 2500 करोड़ जमा किए हैं, पर कंपनी को अभी भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च चुकाना है और उसके पास पैसे नहीं है। कंपनी ने कहा कि अगर उसे 50,000 करोड़ चुकाने पड़े तो उसको भारत में अपना बिजनेस बंद करना होगा। कंपनी की हालत इससे भी पता चलती है कि उसने कहा है कि पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर वाली तिमाही में उसे करीब 6,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कंपनी के चेयरमैन कुमार मंगलम मिल्ला ने ऑन रिकॉर्ड ये तक कह दिया कि सरकार या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई रियायत नहीं मिलती है तो कंपनी को अपना बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और अगर वोडाफोन आइडिया ने भारत में अपना कारोबार बंद किया तो कम से कम 10,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के करीब 30 करोड़ ग्राहकों पर भी सीधा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा ग्राहकों को है। वोडाफोन आइडिया के एग्जिट के बाद मार्केट में डुओपोली आ जाएगी, यानी सिर्फ रिलायंस जियो और एयरटेल ही बचेंगे और कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा। जब मार्केट में कॉम्पिटिशन होता है तो कंपनी सस्ते दामों पर अपने प्रोडक्ट बेचती है और उसके साथ साथ ऑफर्स भी देती है और कस्टमर्स का ख्याल रखती है। कंपटीशन खत्म होने का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपकी जेब पर भारी मार पड़ने वाली है, रिचार्जेस और मोबाइल प्लान की कीमत फिर से बढ़ जाएगी और आपकी जेब पर एक्स्ट्रा बोझ